अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जावेद इकबाल अहमद। आज के इसमें वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं आपको ट्रैवल गाइड या टूरिज़्म की कोई वेबसाइट होती है जिसमें एडमिन की तरफ से पैकेजेस जो है वो एडमिन ऐड करता है और फिर यूज़र उस पैकेज को सिलेक्ट करके जो भी टूर पे जाना चाहता है, टूरिस्ट होता है, वो उस पैकेज को सिलेक्ट करता है और देन अमाउंट की पेमेंट की ट्रांजेक्शन होती है। तो उस हवाले से मैं एक डेटाबेस बनाना सिखाऊंगा। अच्छा, ये डेटाबेस जो है मैं कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करके बनाऊंगा, यानी MVC कोड फर्स्ट के अप्रोच को हम यूज़ करेंगे और एंटिटी फ्रेमवर्क के ज़रिए से हम ये डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं MVC एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। MVC की एप्लीकेशन ले लेता हूँ और ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे इसको नो कर देता हूँ क्योंकि मैं अपना लॉगिन बनाऊँगा, अपनी ऑथेंटिकेशन रखेंगे हम। और चाहे तो MT वेबसाइट भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम कनेक्शन स्ट्रिंग पे वेब लॉक ऑन द फाइल पे आके हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल CS का मैंने नाम दे दिया। और फिर यहाँ मैं जो डेटाबेस बनाऊंगा तो मैंने कहा डेटा सोर्स, सर्वर का नाम मैंने दे दिया अपना, फिर जिस नाम से मैं चाहता हूँ डेटाबेस क्रिएट हो मैं वो नाम देता हूँ, जिससे मैंने कहा DB टूर के नाम से मैं चाहता हूँ डेटाबेस मैं क्रिएट हो जाए। मेरे SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन भी काम करना चाहता हूँ तो यूज़र आईडी मैंने पासवर्ड दी और साथ साथ मैंने इसके पासवर्ड भी दे दिया। और फिर इसके बाद हमने यहाँ लाइब्रेरी दे दी, हमने कहा प्रोवाइडर नेम, हमने कहा system.data.sql। अब हमने कनेक्शन लिस्टिंग बना दी। अब जो मेरा डेटाबेस क्रिएट होगा वो उसका नाम होगा DB2R के नाम से डेटाबेस क्रिएट होगा। मैंने यहाँ पर डेटा सर्वर का नाम भी दे दिया, यूज़र आईडी पास कर दी और पासवर्ड भी दे दिया। अब हम मॉडल्स पे आएंगे और मॉडल्स पे आके हम एंटिटीज क्रिएट करेंगे। तो हम उसके लिए सिंपल एक क्लास लेते हैं, मैं कोई भी एक क्लास बना लेता हूँ, फर्दर उसी के नाम क्लासेस बनाते रहेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यूज़र जो रिजर्वेशन लेगा या फिर जो है वो फर्स्ट चलें रिजर्वेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं रिजर्वेशन के नाम से क्लास बना रहा हूँ। चाहे तो यहाँ पे क्लास का नाम चेंज भी कर सकते हैं, यानी डेटाबेस में किसी और नाम से टेबल बने और चाहे तो वही रखना चाहे वो रख सकते हैं। अगर नाम चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे लाइब्रेरी कॉल करेंगे system.componentModels.data.annotations.schema में दे देता हूँ ताकि मैं टेबल का नाम चेक करूँ। कोई वैलिडेशन मुझे ज़रूरत तो शायद नहीं पड़ेगी इसमें, लेकिन अगर देना चाहते हैं तो डेटा नोटेशंस के लाइब्रेरी पास करते हैं। मैं चाहता हूँ जो मेरा टेबल क्रिएट हो उसका मैं नाम रखना चाहता हूँ, मैंने कहा TBL टेबल, सॉरी अब मैंने उसका नाम रखना चाहता हूँ, मैंने कहा TBL REG के नाम से मैं टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है प्राइमरी की असाइन करने के लिए मुझे पता है अगर मैं टेबल के नाम के साथ आईडी लगा दूँ या सिर्फ आईडी लगा दूँ या फिर हम की का एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो किसी भी नाम से टेबल बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको RID के नाम से या RG ID के नाम से मैं प्राइमरी की असाइन करना चाहते हैं तो फिर हम की का एट्रीब्यूट लगाते हैं।
क्योंकि वो ना मेरे टेबल का नाम है ना मेरे यानी ना मेरी क्लास का नाम है, और आईडी दूसरे पर ऑप्शन होता है कि हम आईडी के नाम से कॉलम रखते हैं तो ऑटोमेटिकली इसको वो प्राइमरी की असाइन करता है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी और नाम से बनाने जाता तो हम की का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं प्राइमरी की के लिए, पर हमने यहाँ पे REG आईडी के नाम से एक कॉलम बना दिया जिसको प्राइमरी की असाइन करेगा। फिर मैं इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट जो भी यूज़र होगा उसका नाम लेना चाहता हूँ, तो मैं उसके नेम के नाम से कॉलम बना लेता हूँ। फिर इसी तरीके से हमने यहाँ पे गाइड, मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, ऑफर्स के लिए बना लेंगे। अब मैं एक बना लेता हूँ क्योंकि मैं इसी रिजर्वेशन करते हुए मैं इस तरह का काम करना चाह रहा हूँ कि जब बंदा रजिस्टर्ड होता तो उसी टाइम पे ही वो अपने जो है जिस मकसद के लिए टूर के लिए वो अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है, वैसे मैं रजिस्टर नहीं कराना चाहता किसी को। मैं ये चाहता हूँ कि जब उसको कोई भी पैकेज पसंद आ जाता है और वो उस पैकेज को लेना चाहता है तो फिर वो अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा, जब रजिस्टर्ड करेगा तो उसी वक्त वो वहाँ से पैकेज को भी सिलेक्ट कर लेगा यानी ऑफर को भी सिलेक्ट कर लेगा और अपने NIC नंबर अपने सारी अपनी चीज़ देगा, उससे एक पेमेंट कराया जाएगा जो पेमेंट हम उससे बाद में जो है वो मैं वन टू मैनी करके भी रिलेशनशिप करके भी ले सकता हूँ। तो यहाँ मैंने एक बना ली ईमेल के नाम से, मैं कॉलम दे देता हूँ, और यहाँ मैं देते हैं ऑफर्स के नाम से। इसी तरीके से हम जो है वो एक सर्विस के नाम से बना लेते हैं और उसको जो सर्विस वो लेगा जो ऑफर वो लेगा, और एक में जो है वो सेल नंबर के लिए बना लेता हूँ सेल नंबर, और एक में उसके NIC नंबर से ले लेते हैं, तो मैं CNIC के नाम से। ईमेल के लिए मैं नेम रिक्वायर्ड करना चाहता हूँ कि नल ना छोड़े, हमने इसको रिक्वायर्ड लगा दिया इसको नल ना छोड़े, नाम देना ज़रूरी है, और मैसेज पास करना चाहता हूँ यहाँ से मैसेज भी दे सकते हैं, और लेंथ वगैरह मैं यहाँ पे देता हूँ मैंने कहा स्ट्रिंग लेंथ, नहीं तो वो एनवर चार मैक्स पे चला जाएगा, और मैंने कहा मैक्सिमम लेंथ मैं देता हूँ उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा अभी 40 कैरेक्टर की मैं देना चाहता हूँ, और अगर वो इससे ज़्यादा लिखता है तो मैसेज पास करना चाहे मैसेज कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से हम यहाँ स्ट्रिंग लेंथ के साथ मैक्सिमम लेंथ के मैं तो ले लेता हूँ, हमने कहा मैक्सिमम लेंथ लेते हैं 40, और फिर यहाँ पे मैं कॉमा लगा के इसको एरर मैसेज के जरिए से यहाँ मैसेज पास करता हूँ। तो स्ट्रिंग लेंथ सिर्फ लेंथ चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रिंग लेंथ से लेंथ के लिए होता है मैक्सिमम लेंथ का जो है उसमें मैक्सिमम लेंथ देखिए हम लेंथ पास कर देते हैं, और फिर उसी के दूसरे ही आर्गुमेंट के अंदर एरर मैसेज हमारे पास आता है, हमें एरर मैसेज के
इधर से कोई मैसेज पास करना चाहता है मैसेज पास कर देगा, अगर नहीं मैसेज पास करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो जो है वो खुद से एक मैसेज दे देगा, लेकिन वो 40 से ज़्यादा करेक्टर आपको अलाउ नहीं करेगा। इसी तरह ई मेल के लिए आ जाता हूँ, मैं ई मेल का पैटर्न पास कर देता हूँ और मैंने कहा डेटा टाइप में दे देता हूँ उसको, चाहे तो इसमें भी हम मैसेज पास करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। एरर मैसेज इक्वल टू, हमने कहा रॉन्ग ईमेल, सही है, अगर वो रॉन्ग दिखेगा तो उसमें आ जाएगा। फिर इसी तरह ऑफर्स के लिए मैं इसमें भी हम लेंथ देना चाहे तो दे सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ हमें सब में देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो एनुअल चार्ज मैक्स भी आ जाएगा। तो मैं इसमें और रिक्वायर्ड, अगर मैं नल नहीं छोड़ना चाहता हूँ जिसको मैं चाहता हूँ नल ना आए तो इसको हम रिक्वायर्ड लगा लेते हैं। नेम के लिए भी चाहिए मुझे ईमेल भी जो है लाजमी उससे चाहिए, मैं चाहता हूँ नल ना करें लाजमी उसको फिल करें, तो हम इसके भी रिक्वायर्ड लगा के इसमें मैक्सिमम लेंथ देते हैं। और यहाँ मैंने ई मेल आई डी में 40 की जगह हमने फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 20 करेक्टर पास कर देंगे। और इसी तरीके से जो है वो ऑफ़र के लिए भी मुझे लाजमी जो है वो ऑफ़र उसने जो है वो लेनी है उसने, और इसी तरीके से सर्विस भी वो जो ऐड करेगा तो मैं सर्विस भी पास करनी है इसको। और सेल नंबर के लिए भी मैं चाहता हूँ कि भी उसमें ना लिमिट हो, नंबर 4 रख लेते हैं लेकिन उसमें कम कर देते हैं करेक्टर, सेल नंबर जो है मैं फॉर एग्जांपल अपने इसको 15 करेक्टर कर देता हूँ मैं। और इसी तरह NIC नंबर भी हमें बताए उसमें डिजिट्स का होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ नंबर्स ना रखूँ, नंबर कभी नहीं रखा करें इस मकसद के लिए, मैं इसको भी 15 कैरेक्टर दे देता हूँ, ठीक है जी। और मैसेज जब चेंज कर देते हैं, हमने कहा 15 कैरेक्टर आपको अलाउ है, यहाँ 15 कर दिए। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम लेंथ हम 40 रहने देते हैं, सर्विस के लिए ऑफर के लिए भी रहने देते हैं, और ईमेल एड्रेस के लिए भी मैंने मैक्सिमम 20 कैरेक्टर कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये पैरा टेबल बनेगा जिसमें हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और यूज़र अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा, लेकिन उससे रजिस्टर्ड करेगा जब वो ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा, और ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद जब वो डन कर देता है तो फिर वो उससे रजिस्ट्रेशन मांगी जाएगी, और फिर उसके वाइफ जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास एडमिन के पास आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम एक टेबल और बनाते हैं जब वो पेमेंट की ट्रांजेक्शन करेगा, हमने कहा पब्लिक क्लास और मैं पेमेंट के नाम से टेबल बना लेता हूँ, और चाहो तो हम इसको टेबल का नाम देना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, नहीं तो टेबल का नाम बन जाएगा। पेमेंट के नाम से ज़रूरी मसला नहीं है, लेकिन अगर हम देना चाहते हैं दे सकते हैं, हमें नाम रखिए हमने कहा TBL पेमेंट, ठीक है जी। अब पेमेंट के अंदर मुझे जो है वो उसकी प्राइमरी की से कोई सरोकार नहीं है, मुझे नहीं उसको आगे कहीं ट्रांजेक्शन देनी है, अंदर कोई फॉर्म की वगैरह बनानी है, तो मैं फिर यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि एंड के नाम से ही मैं ID के नाम से जो है मैं वो प्राइमरी की असाइन कर देता हूँ, जो ऑटोमेटिकली उसको प्राइमरी की ले लेगा। हमें पता है ID के नाम से जो भी कॉलम में नाम होता है तो उसको वो प्राइमरी की ले लेता है, और अगर आप उसको इसकी टाइप इंटीजर रखते हो न्यूमेरिक रखते हो तो देन वो उसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर देता है। अब इस तरह से जो है वो अगर वो पेमेंट बाई कार्ड के थ्रू देना चाहता है तो कार्ड का नंबर देगा, और हमने कहा पब्लिक स्ट्रिंग, हमने कहा हम चाहे तो इसको ऑप्शन भी दे सकते हैं पेमेंट के लिए कि वो कौन सा ऑप्शन लेना चाहता है वो भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं तो यहाँ से कार्ड नंबर से ले लें, दोनों चॉइस से अगर मैं ऑप्शन देना चाहता हूँ तो ऑप्शन जो है मैं यहीं पर ड्रॉप डाउन भी क्रिएट करवा सकते हैं हम इसको, वो भी हमारे पास यहाँ इसमें क्रिएट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से कार्ड नंबर देना चाहता हूँ पेमेंट, अगर हम सिर्फ कार्ड के थ्रू ही करते हैं, कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देता है, खैर ज़्यादातर नॉर्मली तो जितने भी टूर्स गाइड होती है वो उसमें बुकिंग होती है और फिर वो फर्दर वो ऑफिस में आता है और वहाँ पे आके पेमेंट करता है, तो पाकिस्तान में तो खैर ऐसा ही होता है पाकिस्तान और एशिया में, यूरोप वगैरह में ये होता है कार्ड के ज़रिए जो है वो पेमेंट ट्रांसफ़र होती है। फिर मैं यहाँ पे पेमेंट मोड के नाम से रख लेता हूँ, अब वो पेमेंट मोड अपना लिख देगा कि वो कैसे पेमेंट करना चाहता है,
पेमेंट मोड में जो है वो बाय कार्ड करना चाहता है या इसी पैसा करना चाहता है या फिर जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेगा, तो ये तीन चार ऑप्शन हम उसको दे सकते हैं और उसमें ले सकता है वो। अब इसी तरीके से यहाँ पेमेंट की ट्रांजेक्शन की पेमेंट हमसे लेंगे नहीं, मतलब वो पेमेंट मोड सेलेक्ट करेगा वो, फिर इसके ये काफ़ी है ना उसके लिए। और फिर इसके बाद जो है वो मैं फॉरेन की बना लूँगा, जो हमने यहाँ पे प्राइमरी की बनाई है REG ID की, इसको मैं वहाँ पे फॉरेन की असाइन कर दूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे वन टू मैनी की रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। तो हमने कहा पब्लिक वर्चुअल और हमारे जो टेबल का नाम था वो था रिजर्वेशन, और मैं यही नाम उसको देता हूँ। तो अब जो है वो वन टू मैनी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। जब वो अब ये होगा क्या कि जब रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्टर्ड होने के बाद जब वो पेमेंट पे आएगा तो ऑटोमेटिकली उसको जो है वहाँ से रजिस्ट्रेशन ID उसकी मिल जाएगी, और रजिस्ट्रेशन ID के ज़रिए से ऑटोमेटिकली जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और इसी पेमेंट मोड पर ले लेगा, उसका नाम ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा वन बस। ठीक है जी, और नहीं देना चाहे तो नहीं भी दें, खुद वो पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट जब दे ही रहा है तो इसका मतलब उसका हम सेशन बनाना चाहें, जब हम अगर हम सेशन बना लेते हैं तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम सेशन क्रिएट करते हैं तो सेशन में ऑलरेडी उसका नाम आया हुआ है या उसकी रजिस्ट्रेशन ID हम पास कर देंगे तो फिर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम ये देना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, दोनों हमारे पास रास्ते हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से हम मज़ीद आ जाते हैं और टेबल बनाते हैं। अब हमें टेबल बनाना है जैसे पैकेज के लिए, हम पैकेज क्या बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा पब्लिक क्लास, तो अब मैं पैकेज PKG कर देता हूँ, पैकेज के नाम से मैं क्लास बना लेता हूँ और इसको हम नाम दे देते हैं। हमने कहा नहीं है तो हम सिर्फ ID के नाम से रख लेते हैं, क्योंकि मुझे आगे कहीं इसको रिलेशनशिप तो बनाना नहीं है, तो मैं ID के नाम से प्राइमरी की रख लेता हूँ, क्योंकि प्राइमरी की देना ज़रूरी है। अगर हम नहीं देंगे तो हम इंसर्ट अपडेट नहीं कर सकते, MVC में शर्त है। तो हमने पब्लिक स्ट्रिंग और मैंने पे जो है वो पैकेज के अंदर हम ऑफ़र भी देंगे और उसकी इमेज भी देंगे और डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे। तो मैं ऑफ़र के नाम से और ये मैं एडमिन पैनल से ऐड करवाऊँगा, पब्लिक स्ट्रिंग मैं इमेज के लिए देता हूँ और वो इमेज जो है बेसिकली मैं फोल्डर में सेव करूँगा, तो उसकी पाथ लोकेशन मैं इसमें यहाँ सेव करा दूँगा और डिस्क्रिप्शन के लिए बनाता है। यहाँ पर भी हमें जो है वो रखना पड़ेगा, मैंने यहाँ भी पेमेंट मोड के अंदर भी लिमिट नहीं रखी है, तो मैं यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और मैं ऑफर में भी दे देता हूँ। ऑफर में मैक्सिमम जो करेक्टर दे देते हैं जितने पहले भी दिए थे, तो हमने वहाँ पे 40 दिए थे, यहाँ मैं 40 रहने देता हूँ। इमेज में तो लोकेशन आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़ा ज़्यादा करेक्टर दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जो है वो 100 करेक्टर दे देते हैं, 100 किलोमीटर देता हूँ उसको। ठीक है जी, और फिर इसी तरीके से मैं एक टेबल और बनाता हूँ और मैं ये बना लेता हूँ सर्विसेज के लिए।
हाँ मैं रिक्वायर्ड भी लगा लेता हूँ और साथ में इसको मैं करेक्टिव दे देता हूँ, और फिर इसके बाद जो है वो सर्विसेज बना रहे हैं, तो सर्विसेज में भी इमेज भी दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं इसको, क्योंकि सर्विस जो देंगे तो मैं चाहता हूँ मैं डेटाबेस से सर्विस उठा लेता हूँ ना, कि ज़रूरत तो नहीं है इसकी कि हम डेटाबेस से सर्विस को स्टार्ट करें, सर्विस बनाएं, लेकिन अगर देना चाहे तो दे दें, अगर ना देना चाहे तो सर्विसेज तो हम वैसे भी अपनी शो कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ एडमिन जो है अपनी सर्विस खुद ही ऐड करे कि भाई ये हमारे टूर्स हैं, ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर यहाँ चले देते हैं, तो उसमें ये कि एडमिन खुद कहेगा कि भाई मैं ऐड करेगा कि भाई ये सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं। अब मैं ये सारी चीज़ें डेटाबेस से लूँगा, मैं यहाँ पे सर्विसेज भी एडमिन ऐड करेगा, पैकेज भी ऐड करेगा, फिर इसके बाद जो है वो रजिस्टर्ड यूज़र जो होगा वो रजिस्टर्ड होगा, और फिर रजिस्टर होने के बाद जो है वो उसकी पेमेंट की ट्रांजेक्शन होगी, पेमेंट आ जाएगी एडमिन के पास, हमने डालेंगे जो एंट्री करेगा, और फिर देखेगा पेमेंट एडमिन के पास पहुँच जाएगी, फिर देन फर्दर वो एक्शन करेगा जो भी उसको जो है वो रिटर्न देना चाहे दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम उसको कोई भी जो है वो अप्रूवल की एक मैसेज पास करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है भाई आपकी पेमेंट आ गई है, तो पेमेंट एडमिन के साथ आ जाएगी। फिर लाजमी होता है इसके लिए हमें जो है वो एडमिन का लॉगिन बनाना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे यूज़र को लॉगिन करना नहीं कराना, मैं चाहता हूँ मैं ओपन वेबसाइट बनाऊँ, टूर्स की साइट इसलिए ओपन हो, जो भी आए वो सारी सर्विस भी देख सके और जो एडमिन की तरफ से सारे पैकेजेस भी देख सके, उसको लॉगिन होना होना पड़े। सिर्फ और सिर्फ जब वो कोई भी टूर सेलेक्ट करता है, टूर लेना चाहता है, और जब उसको सेलेक्ट करेगा तो देन उस वक्त मैं उसकी रजिस्ट्रेशन लूँगा, जिसके लिए मैंने टेबल बना चुका हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं एडमिन के लिए जो है वो बना लेता हूँ, लॉगिन के लिए एक रजिस्ट्रेशन बना लेते हैं कि एडमिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वो सीधे लॉगिन भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है वो एक टेबल बना लेते हैं, मैंने कहा TBL, लॉगिन के नाम से बना देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्लास बना लेते हैं पब्लिक क्लास, और मैंने कहा लॉगिन के नाम से बना देते हैं, और यहाँ पे भी मैं ज़रूरत नहीं है तो मैं सिर्फ आईडी के नाम से कॉलम बना लेता हूँ। मैंने सिर्फ एक ही प्राइमरी की फ़ौरन की बनाई है, क्योंकि दो ही टेबल मुझे रिलेशनशिप बनाना था, बाकी में ज़रूरत नहीं मुझे। और इसमें मैं एडमिन की एक ईमेल आईडी दे देता हूँ जो कि यूनिक ही होगी, और फिर पासवर्ड दे देता हूँ ताकि वो लॉगिन हो जाएगा। तो हमने एडमिन के नाम देने की ज़रूरत नहीं मुझे क्योंकि वो एडमिन है। तो हमने यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग करके ईमेल ले लेते हैं, बल्कि यहाँ से वही से उठा लेते हैं, उसके ऊपर मैंने ईमेल का पैटर्न वगैरह भी लगाया हुआ है, मैं वही उठा लेता हूँ, ईमेल का रिक्वायर्ड भी हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ईमेल का पैटर्न भी लगा हुआ है। तो मैं रजिस्टर्ड भी देखें इसे करा लूँगा, और एडमिन जो है अपना अकाउंट भी रजिस्टर्ड कर ले, ताकि अगर एक से ज़्यादा अकाउंट रजिस्टर कराना चाहता है किसी के लिए तो कर सकता है, ठीक है जी। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे ईमेल के लिए भी ले लेते हैं, और फिर पासवर्ड के लिए कर लेते हैं, मैं वहाँ भी डेटा टाइप ले लेता हूँ, मैंने कहा डेटा टाइप, हमने कहा डेटा टाइप डॉट पासवर्ड, पासवर्ड कैरेक्टर बन जाएगा, इसको भी मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा लेता हूँ कि भाई नल ना छोड़ सके। और इसी तरीके से मैं इसको लेंथ भी देता हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ देते हैं तो वो कर सकते हैं, हमने कहा मैक्सिमम लेंथ, पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो मैक्सिमम मैं उसको रख लेता हूँ 15 का, और इसको एरर मैसेज भी दे देंगे अगर इससे ज़्यादा हो तो, हमने कहा मैक्सिमम 15 करेक्टर अल्लाह। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर आके उसको मिनिमम भी लेते हैं,
सी उन्होंने पास कर दी है और इसके साथ ही मिनिमम इसमें नहीं आया। चाहे न्याय बना लेते कोई मसला नहीं, मिनिमम लेंथ भी दे देता हूँ और मिनिमम लेंथ में इसको दे देता हूँ कि जो पासवे बना रहे थे कम से कम 5 करेक्टर ज़रूरी है। तो हमने कहा एरर, करने के तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे पैटर्न मैच करा सकता हूँ, उसको लेंथ दे सकता हूँ, फिर इसके अलावा जो है उसको मैं स्ट्रॉन्ग करेक्टर वो भी पास कर सकते हैं। उसके लिए हम रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी इसे पास कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमारे पास लोकल है ना, एडमिन है वो हमारा, जिसके लिए बना रहे एप्लीकेशन वही है, वही ऑनर है, वही एडमिन है। तो फिर इतनी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है कि मैं सिक्योरिटी रखूँ, तो इसी वजह से मैक्सिमम मिनिमम करेक्टर की एक सिक्योरिटी रख लेते हैं कि भाई यहाँ भी वो कम से कम इतने करेक्टर होने ज़रूरी हैं, वो 1 2 3 करके ना बना ले, कम से कम 5 करेक्टर बनाए। और लेकिन अगर ये ओपन होता है कोई भी किसी और के लिए, अगर मैं लॉगिन अकाउंट बना रहा होता हूँ होता, तो फिर मैं लाजमी रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह यूज़ करके उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वगैरह रखता ताकि सिक्योर हो जाता। तो फिर मैं यहाँ पासवर्ड की फील्ड रख लेता, मैंने कहा पब्लिक स्ट्रिंग और मैंने कहा पासवर्ड, जिसमें पासवर्ड लिख देगा रजिस्टर्ड भी हो जाएगा और हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आके अब मुझे जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास चाहिए होगी, एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास लेने के लिए हम एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करते हैं। तो दोनों तरीके होते हैं, हम माइग्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और यानी कंसोल के जरिए से भी कर सकते हैं। माइग्रेशन तो मुझे वैसे भी इसमें करनी है क्योंकि मैं कंट्रोल बाद में बनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे डेटाबेस टेबल क्रिएट हो जाए ताकि मैं देख सकूं सही बना नहीं बना, तो उसके लिए माइग्रेशन यूज़ करते हैं। तो उससे सबसे पहले तो एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एंटिटी फ्रेमवर्क हम कंसोल के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर कंसोल के थ्रू करना चाहते हैं हम, तो कंसोल के थ्रू करने के लिए हमारे पास होता है इंस्टॉल डैश पैकेज और मैं कहता हूँ एंटिटी फ्रेमवर्क। ये तो इंस्टॉल डैश पैकेज और फिर एंटिटी फ्रेमवर्क। तो अब मैं यहाँ पे कंसोल के जरिए से इंस्टॉल करवा लेता हूँ एंटिटी फ्रेमवर्क को। दूसरा हमारे पास होता है एनजी गेट के जरिए, हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो रहा है 6.2.0, एंटिटी फ्रेमवर्क हमारा इंस्टॉल हो गया। अब एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल होने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मैं मॉड्यूल ना बनाऊँ। अब हम जो है वो सबसे पहले तो यहाँ पर आके अब हम तो डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास लेते हैं, एंटिटी की लाइब्रेरी लेके हमने कहा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, हमें ये लाइब्रेरी मिली फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने के बाद। तो अब मैं डीबी कॉन्टेक्स्ट के लिए क्लास बना देता हूँ और मैंने कहा पब्लिक क्लास और मैंने नाम रख दिया डीबी टूअर और इसको इनहेरिट कर देता हूँ मैं डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास के साथ। अच्छा, इसमें भी दो बातें क्या कर, चूँकि अब मैंने वहाँ पे CS के नाम से कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है, या तो मैं क्लास का नाम CS रखूँ तो फिर तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, CS वहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग को ले लेगा। तो हम यहाँ पे अगर इसकी जगह CS लगा लेंगे तो डायरेक्टली कनेक्शन स्ट्रिंग उठा लेगा, तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम फिर यहाँ पे अगर हम कोई अपनी मर्जी का नाम देना चाहते हैं तो फिर हम वहाँ पे इससे कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं और फिर काम करते हैं। दोनों तरीके हैं, अगर आप सिंपल CS करना चाहते हो क्लास का नाम CS रख लो, और अगर आप नॉर्मली क्लास का नाम देना चाहते हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में आके वो भी बेस के कीवर्ड में हमें अपने CS का नाम पास करना पड़ेगा। दोनों तरीके अभी ये कर लेते हैं, इसके बाद कोई और काम होगा तो मैं वो तरीके सिखा दूंगा ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो, कोई नई चीज़ ना हो। तो ये हमारे पास जो है हमने CSE क्लास बना दी, या मैं DB सेट को यूज़ करूँगा और मैंने कहा पब्लिक DB सेट जेनरिक यूज़ करेंगे और यहाँ पर आके हम वन बाई वन अपने टेबल्स को दे देते हैं। मैं इसलिए कि मैं पूरा जो काम करूँगा वो कोशिश करके जो है वो इस तरह से हम लोग करेंगे कि जो भी हमने यानी कंट्रोलर भी जो है मैनुअली बनाएंगे, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर इनको नाम दे देता हूँ। हमने रिजर्वेशन दिया और फिर उसको मैं नाम रख दिया रिजर्वेशंस ताकि मुझे नाम मिल जाए, और क्योंकि मैं कंट्रोलर भी मैनुअली बनाऊंगा इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं कोई भी नाम रख लेता। और फिर इसके बाद हमने कहा पब्लिक DB सेट और इसके बाद हमने यहाँ पे
लॉगिन का कर देते हैं, एक एक करके सबको ले लेते हैं। और हमने कहा लॉगिन्स नाम दे देता हूँ मैं इसको। सर्विसेज के लिए हमने बनाया था, सॉरी सर्विसेज को नाम देता हूँ डबल एस कर देता हूँ ताकि थोड़ा नाम चेंज हो जाए। लॉगिन हो गया, सर्विस हो गया, पैकेज हो गया, पेमेंट रह गया हमारे पास, आखिरी टेबल रह गया पेमेंट का। और मैंने कहा पब्लिक डीबी सेट और मैंने पेमेंट के नाम से जो क्लास बनाई थी उसको मैं यहाँ पे पेमेंट्स का नाम दे देता हूँ। ठीक है जी, तो मेरे पास टोटल जो है वो 5 टेबल बन रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंपाइल कर देता हूँ। कंपाइल करने के बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं कंट्रोलर ना बनाऊँ। अच्छा, अब देखिए जिस नाम से टेबल होता है हमें पता है क्लास होती है, उस नाम से हम प्रॉपर्टी नहीं बना सकते हैं। तो वो कह रहा है कि आपने यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे सर्विस कर देते हैं। ठीक है जी, सर्विसेज के नाम से मैंने बनाया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ मैं कंट्रोलर ना बनाऊँ और यहीं से पहले डेटाबेस टेबल क्रिएट हो जाए ताकि मैं देख सकूँ कि आज सही हुआ है, तो देन मैं फिर कंट्रोल पे काम शुरू करूँ। तो फिर हमारे पास हम माइग्रेशन का तरीका इसको यूज़ करते हैं। माइग्रेशन के लिए हमें सबसे पहले माइग्रेशन को इनेबल करना पड़ता है। हम लिखते हैं इनेबल डैश माइग्रेशंस, तो यहाँ से हमारे पास माइग्रेशन इनेबल होती है। इनेबल डैश माइग्रेशंस, आपकी माइग्रेशन इनेबल हो जाएगी। जैसे माइग्रेशन इनेबल हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे माइग्रेशन का फोल्डर आ जाता है। उस फोल्डर पे भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो बहुत सारे काम किए जाते हैं, हम वहाँ से डेटा भी पास कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बाद में बता दूंगा किसी भी ज़रूरत पड़ी इसकी। तो अब देखिए यहाँ माइग्रेशन का हमारे पास जो है वो फोल्डर बन चुका है। अब जो मैं माइग्रेशन कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपके पास उसके जो है वो सीट के ज़रिए से हम वैल्यू वगैरह पास कर सकते हैं। और यहाँ पे जो उसका रेफरेंस आ जाएगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं तो सिर्फ डेटाबेस को क्रिएट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने कहा अपडेट डैश। अच्छा, पहले मैं माइग्रेशन ऐड करता हूँ। मैंने कहा ऐड डैश माइग्रेशन, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे इसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो अपडेट कर देते हैं। हमने कहा अपडेट डैश डेटाबेस, हमारा मकसद सिर्फ उसी डेटाबेस और टेबल क्रिएट करवा के उसको स्ट्रक्चर दे देखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, हमारे पास डेटाबेस और टेबल क्रिएट हो गया है। तो हमने यहाँ पे डीबी टूअर के नाम से रखा था डेटाबेस, ये रहा। अब देखें डीबी टूअर के नाम से हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर टेबल्स जो हमने बनाए थे, देखिए बन गए। जब माइग्रेशन हिस्ट्री का टेबल ही बनाता है, अभी टेबल्स हमारे पास बन चुके हैं। मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन के टेबल को और REG के टेबल को और इसके अलावा पेमेंट का, इनमें रिलेशनशिप बनाई थी, बाकी में नहीं बनाई थी। वो आए देख लेते हैं बाकी रिलेशनशिप बनी ही नहीं बनी। और हमने यहाँ पे कह दिया डीबी के नाम से ना बनाया। और यहाँ देख लेते हैं
अच्छा, बाकी में जो मैंने आईडी वगैरह रखी थी, जो कि सब में प्राइमरी की रखी थी, तो वो ऑटोमेटिकली उसके जो रिलेशनशिप बनाएगा उससे मेरे को वास्ता नहीं है। लेकिन हमें जो ज़रूरत है वो आरईजी और पेमेंट के, मैंने वन टू मैनी की रिलेशनशिप बनाई हुई है, और बाकी का मुझे लिंक नहीं है। वो खुद ही इस वक्त बना रहा है, लेकिन उसको मसला नहीं, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो आईडी को देख रहा है, जहाँ पर सेम उसको मिल रहा है, तो वो उसको जो है वो इधर ज्वाइन करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ से मतलब डेटाबेस टेबल क्रिएट हो गया है, अब इसके बाद जो हमें कंट्रोल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तक फिर आप लोग काम करें, और जैसे आपका काम कंप्लीट होता है, आप या कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछें मुझसे, और जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो देना हम आगे हम कंट्रोल पे आ जाएंगे।